देखो भाई यहाँ पर कितने ही है भाई, छोटे छोटे से देखो भाई, चेक करो एक बार। कितने पैसे चाहिए? 1,00,000 रुपए दो। हट जाओ भाई, जाने दो। अबे जाने दे, 50 रुपए दो तो जाने दो। अबे जाने दे। ये देखो भाई, ये है बच्चों की गुंडा कर दी। इधर है गुफा माता श्री नैना देवी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो भाई रास्ता देखो, जय माता दी, जय माता दी। सिर बजाकर मेरे भाई, जय माता दी। ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ से, इधर को रास्ता बंद है भाई। कैसे हो आप सब, स्वागत है आपका एक और न्यू व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ माता श्री नैना देवी जी मत्था टेकने, और मैं आपको भी बताऊंगा कि आप कैसे आ सकते हैं, कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा कैसे आएंगे, वो मैं आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। हो रहे हैं लेट तो चलते हैं, करते हैं व्लॉग को शुरुआत माता जी का नाम लेके। सब बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। अपने घर से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम जहां आ चुके हैं, एक और व्यू देख लो कितना बढ़िया है। जहां नीचे नहर चल रही है, पानी का बहाव देखो कितना बढ़िया है, और सामने जे माता श्री नैना देवी जी को रास्ता जा रहा है। और भाई जहां देखो कुछ ने लफाफे बांध दिए हुए हैं, पता नहीं क्या होगा इसमें। तो भाई आप भी अगर माता श्री नैना देवी जी के दर्शन करने आते हो तो मैं आपको रूट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको, अगर आप दूर के रहने वाले हो बिहार साइड के या दिल्ली वाली साइड के, तो आपको सबसे पहले चंडीगढ़ आना होगा। चंडीगढ़ से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पे माता श्री नैना देवी जी का मंदिर है। सबसे पहले आपको श्री अनंतपुर साहिब आना होगा, और वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पे माता श्री नैना देवी जी है, और टैक्सी वाले आपको ले जाएंगे। बस 100-200 का आपका खर्चा होगा। अगर मैं खाने पाने का इंक्लूड करूँ तो टोटल आप 5,000 कह सकते हैं। अगर आप आ रहे हो दूर से तो 5,000 तो अपने जेब में रखना ही होगा भाई आपको। यहाँ पर आप तेल पवा सकते हो अपनी बाइक में, आप कार में। पंप नीचे ही है, मैं आपको बता दूँ ऊपर आपको पंप नहीं मिलेगा कहीं पर भी। अगर आपको अपनी गाड़ी में तेल पवाना है तो आपको वो पीछे पंप जो मैंने दिखाया वहीं पर ही पवाना पड़ेगा। अभी अभी हमें इस रूट की बहुत ही खतरनाक चीज़ पता लगी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो जहाँ पर वार्निंग लिखी हुई है कि जहाँ पर तेंदुए घूमते हैं, अगर आप पैदल जाते हो या फिर बाइक पे जाते हो तो ध्यान से जाएं। अगर हमें कहीं रास्ते पे मिलता है तो आपको दिखाएंगे भाई तेंदुआ भी, बाकी ध्यान से जाना पड़ेगा भाई। इस मंदिर की बात करूँ तो ये शिवालिक पहाड़ियों में बसा हुआ बहुत ही सुंदर मंदिर है, और इसमें माता श्री नैना देवी जी के नेत्र पड़े हुए हैं। और जहाँ पर जोना मोड की कहानी भी बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा, यूट्यूब पे सर्च कर लेना एक बार, जोना मोड की कहानी इस मंदिर के रिलेटेड ही है। और भाई अभी तुम देख ही सकते हो बहुत ही धूप है, सामने पहाड़ दिख रहा होगा, और अभी हमें इतना ऊपर और जाना है। तो चलो दिखाते हैं अब आपको पहाड़ों के नज़ारे, दृश्य और मंदिर के दर्शन। चलो जहाँ पर पंजाब की हद ख़त्म हो जाती है और हिमाचल शुरू हो जाता है, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पर, जहाँ पंजाब की हद ख़त्म हो जाती है, पंजाब बाउंड्री एंड्स, और जहाँ से हिमाचल स्टार्ट हो जाता है। देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका हार्दिक अभिनंदन। और भाई ये टोल टैक्स है, अगर आप गाड़ी से आते हो तो जहाँ पर टोल आपको देना होगा, अगर बाइक पे आते हो तो फ्री है भाई, जैसे हम जा रहे हैं। और भाई जहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं, ये देखो पहाड़ स्टार्ट हो चुके हैं, पहाड़ों में आ चुके हैं भाई। अब ये देखो भाई जहाँ पर पत्थर गिरे हुए हैं, नीचे लैंडस्लाइड हुई हुई है पहाड़ों से ऊपर गिरकर, वो देखो भाई मंकी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो देखो छोटा सा कितना प्यारा है भाई। देखो भाई यहाँ पर कितने ही है भाई, छोटे छोटे से देखो भाई, चेक करो एक बार। अरे भाई वो देखो एक छोटा सा कितना बढ़िया है भाई, वो देखो ऊपर बैठा हुआ तुम्हें दिख रहा होगा, देखो भाई कितने सारे हैं भाई।
वो देखो लैंस लाइन हुई है ऊपर से नीचे, पानी भी आ रहा है। वो देखो सारा पहाड़ टूटा हुआ है भाई, सड़क भी ब्रोक हुई है। ये देखो इधर से पत्थर हटा के वहाँ कर दिए। वैसे रोड तो ठीक है, ये हटा देते हैं टाइम से। वैसे मंकी देखो भाई कितने सारे बैठे हुए हैं, चेक करो भाई। आगे से बस भी आ रही है, अभी जहाँ से चलते हैं हमारे पीछे ना पड़ जाएंगे भाई, डर ही लगता है। ये देखो भाई सड़क के बीचों बीच पेड़ लगाया हुआ है, देखो सड़क के बीचों बीच पेड़ है। देखो भाई माता चिंतपूर्णी और ज्वाला जी को भी यही वाला रास्ता जाता है। वो देखो भाई चिंतपूर्णी माता जी का मंदिर 105 और ज्वाला जी का 142 किलोमीटर है जहाँ से। और भाई ये रहा एंट्री मार्ग माता श्री नैना देवी का। जोर से बोलो जय माता दी। देखो भाई पहाड़ देखो भाई कितने सुंदर बने हुए हैं। जहाँ पर वहाँ पर बस आपको उतार देगी, अगर आपको शॉर्टकट जाना है तो जहाँ से चढ़ जाना, नहीं तो आपको वहाँ सीढ़ियाँ मिल जाएंगी ऊपर जाने के लिए। ये भी पार्किंग है, बाइक की पार्किंग के भाई ये 50 रुपये लेते हैं भाई। अपनी बाइक मैंने जहाँ पर खड़ी कर दी है, ये देखो जहाँ पर भाई, वो देखो वो वाइट सी वो बिल्डिंग है जहाँ पर पार्किंग होती है, वहाँ पर आप अपनी गाड़ी बाइक को पार्क करके इधर से पौड़े चढ़ के जहाँ आ सकते हो। और ये फिर शेड वाली मेन पौड़ियाँ मिल जाएंगी जो सीधा माता जी के मंदिर को जा रही है। ये देख लो भाई प्रसाद की दुकान है, खिडौनों की दुकान है, सभी दुकानें यहाँ पर। पौड़ी पौड़ी चढ़ते जाओ, जय माता की करते जाओ। अपनी चप्पलें हमने जहाँ पर जमा करा दी है। और सामने प्रसाद की दुकान है, वो देखो सामने भाई माता जी का मंदिर आ चुका है। अब चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको, दर्शन कराते हैं अंदर माता जी के मंदिर के। ये देखो भाई कितने ऊपर है हम, ये देखो कितने ऊपर है हम यहाँ पर पार्क बीच। तो माता जी के दर्शन कर लिए थे, मत्था टेक लिए थे हमने। और वो देखो ऊपर स्वर्ण परत चढ़ाई हुई है, सोने की परत है वो। पर हवन हो रहा है जहाँ पर प्रसाद डालते हैं हवन में। और ये था भाई माता जी का मंदिर, एक बार दर्शन करने आप जरूर आना। देखो भाई वहाँ पर मंकी बैठा हुआ है ऊपर सीढ़ी की तरफ। भाई हम यहाँ इधर बाथरूम करने आए थे और ये लड़का हमसे पैसे मांग रहा है। कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए तुम्हें, कितने पैसे चाहिए वो? 10 रुपये भाई। जे मुझसे पहले 10 रुपये मांग रहा था वीडियो बनाने के बनाने से पहले, और जैसे ही मैंने वीडियो बनाई तो जे कितने पैसे चाहिए बात सुना लगा रहे हम भाई से। कितने पैसे चाहिए? 1.5 लाख रुपये दो। हट जाओ भाई, जाने दे। अबे जाने दे, 50 रुपये दो तो जाने दो। अबे जाने दे। ये देखो भाई ये है बच्चों की गुंडागर्दी। इधर इधर देखो ये है, 10 रुपये मांग रहा था मुझसे। तो भाई वो है गोविंद सागर, वो देखो सामने दिख रहा होगा आपको। देख लो इस वक्त कितने ऊपर है हम पहाड़ के, वो देखो बादल ही बादल है आगे, देखो व्हाइट सागर दिख रहा है। तेरी आपको लंगर मिल जाएगा देखने को, वो देखो सामने लंगर चल रहा है। ये पहाड़ देखो, कई लोग तो इसके ऊपर भी चढ़ते हैं जब मेला होता है जहाँ पर। लिजर्ड देखो भाई कितनी बड़ी है।
बहुत बढ़िया भाई, डाड़ी लग रहा है इससे तो, काट वाट ना ले। देखो भाई यहाँ पर केबल कार भी लगी हुई है, वो देखो जी नीचे लेकर जाती है वहाँ पर नीचे। अगर आपको वहाँ पर गोविंद सागर देखना है तो आप इससे टिकट कटा के जहाँ पर यहाँ से नीचे जा सकते हो भाई। लगे हुए हैं झूले और जहाँ पर इसकी टिकट है जहाँ लिखी हुई है टाइम टेबल, गुफा के ऊपर जाने का रास्ता है। चलो चलते हैं देख कर आते हैं कैसी है गुफा और आपको भी दिखाते हैं भाई। तो भाई ये रास्ता गुफा का, गुफा में आ चुके हैं, देख लो तुम्हारा भाई आ चुका है गुफा में तुम्हें दिखाने के लिए। पीछे पुलिस अंकल बैठे हुए हैं, ये देखो वहाँ से जाना पड़ता, देखो भाई और तुम्हारा भाई जा रहा है जहाँ से नीचे गुफा में से नीचे। चलो भाई नीचे चलते हैं, पहले फ्लैश नहीं थी अब मैंने फ्लैश जगा ली है। ये देखो भाई रास्ता देखो, मैं गुफा में आ चुका हूँ, देख लो रास्ता देखो कितने छोटे छोटे रास्ते हैं और तुम्हारा भाई गुफा में आ चुका है। देख लो भाई जहाँ पर देख लो मंदिर बना हुआ और जो जहाँ पर गुफा का एंड हो जाता है मत्था टेक लो भाई। ठीक है यार, जय माता दी, जय माता, चलते नीचे। चलो बहुत कम है यहाँ पर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखो भाई रास्ता देखो, जय माता दी, जय माता दी, सिर बजा कर मेरे भाई, जय माता दी। ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ से इधर को रास्ता बंद है भाई, चलो ऊपर चलते हैं। एक बात बढ़िया जहाँ पर लाइट लगी हुई है, नहीं तो कैमरे पता नहीं लगता कहाँ जाना है और कहाँ नहीं भाई, कैमरे भी लगे हुए हैं। कोई बात नहीं भाई हमारे पास भी कैमरा ही है, आपका जाना है इधर जाना है कि उधर जाना है, इधर 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 जाना लगता है, उधर तो बंद है भाई। आ चुके हैं हम बाहर, देख लो भाई, आ जाओ भैया, आ जाओ भाई, आ जाओ बाहर। ये भाई प्राचीन गुफा है, इस गुफा की लंबाई लगभग 70 फुट है और 70 फुट से नीचे आया, अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, हाल देख ही सकते हो तुम, सांस आई अंदर तो बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा, मैंने आपको दिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना भाई इस चैनल को सब्सक्राइब। अभी हमने कर रहे हैं मोटरसाइकिल भी पार्किंग से निकाल ली है और अब चलते हैं घर को। और भाई अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना जात से, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, जिन जिन को अच्छा लगा ये व्लॉग इस टूर इस जर्नी को लाइक कर देना भाई। तो भाई माता रानी जी के मत्था टेक लिया था हमने, दर्शन कर लिए थे, गुफा भी हमने देख ली थी। अब जो ब्लॉग को मैं ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो चुका है। अगर आपको जो ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में, जय हिंद, बाय बाय, टाटा, ध्यान रखना भाई।